सो हेलो जी, नमस्ते। मैं अंकु आज़ाद और एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना डेली ब्लॉग बनाऊँ। अभी फ्री हूँ तो टाइम है थोड़ा बहुत। इंटरेस्टिंग है नहीं लाइफ में, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। और अभी मैं हूँ घर पे अकेला। आज मेरे को काम मिला है खाना बनाने का, तो पहले खाना बनाएंगे। उससे पहले अभी 9 बज चुकी है और मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोए हैं, तो पहले मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाऊँगा, फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी खाना बनाने की करते हैं तैयारी। तो पहले बर्तन लेंगे, उसके बाद स्टोर रूम से चावल। तो पहले लेते हैं बर्तन। हेलो जी, आपका भाई सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। दिल्ली जाने के बाद भी आपके भाई ने बहुत कोशिश की ब्लॉग बनाने की, लेकिन वहाँ पर मेरे को तो यही लगा, एक ही रीज़न था, टाइम का। और टाइम के साथ और कोई रीज़न नहीं लगा मेरे को। तो मैंने कोशिश की थी ब्लॉग बनाने की, तो उसके कुछ क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि ये रहे। हेलो फ्रेंड, सीन्स कुछ ऐसे हैं, और ये छोटू अभी सो रहा है। ये तो कह रहा हूँ चाय बना। नमस्ते कर पहले हमारे ऑडियंस को। ऑडियंस हेलो 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 तो बोल ले। हेलो हेलो तो हेलो जी, मैं अभी पहुँच चुका हूँ वैष्णवी हवा दिल्ली से आने के बाद। और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है आपका 10:30। तो 10:30 तो मैंने यहाँ पर खाना खाया, उसके बाद निकलूँगा मैं घर के लिए वैष्णवी ढावा। दिल्ली से आते समय जो ये लास्ट का ब्लॉग है, रास्ते में भूख लगी तो मैं किसी होटल में बैठे और खाना उना खाया, और उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मैं सुबह के 4 बजे घर पहुंच जाऊंगा। 4 बजे, 4 बजे अंधेरा था, तो मुझे खुद ही मैं कन्फ्यूज था, मैं दिखाऊँ क्या। तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। फिर मेरे पास सामान भी इतना था कि कोई ले जाने वाला नहीं था। रात के सुबह के 4 बजे कौन आएगा मुझे लेने, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही सामान ले जाता हूँ। तो ब्लॉग को रखेंगे थोड़ा देर साइड और पहले घर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो इसलिए मैंने उस टाइम ब्लॉग को थोड़ा रेस्ट दिया और अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। सो हेलो जी, खाना खाने के बाद मेरा मन किया विटामिन डी और सी दोनों एक साथ लेने का, तो इसलिए मैं छत पर लेके आया हूँ संतरे। और डी तो इस साइड में, अभी इस साइड से आई हुई है डी, विटामिन डी। तो पहले संतरे को एंजॉय करते हैं, ऑरेंज जो पहाड़ी संतरे हैं उनका एंजॉय करते हैं। फिर जिसको संतरे चाहिए प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। मजाक कर रहा हूँ, एक ही है मेरे पास, दो ही है मेरे पास, वो भी लास्ट बचे थे। मैं एंजॉयमेंट, ये घरेलू नमक मुझे तो लग रहा है अभी इसके बाद मैं कहीं जाऊंगा, मतलब घूमने वगैरह, कि ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी ये एडिट भी करना है, कल अपलोड भी करना है, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैं सोच रहा था क्यों ना अभी रूम पे जाऊं, जो कंप्लीट इसको खाने के बाद रूम पे जाके एडिट करूंगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं रेस्ट करता हूँ, तब तक ले बाय।